हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वरुण व्लॉग। तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज भूकंप आया है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, तो सब लोग भूकंप आने के तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो भूकंप हो रहा है, भूचाल हो रहा है, इससे सभी लोग चिंतित हैं। अपडेट लेने जा रहे हैं, अंबिकापुर में भूकंप आया है। कुछ लोगों का राय सुनेंगे, उनका मन का क्या हालत है। बताओ मन का क्या हालत है भैया? अंबिकापुर में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जानवर की क्षति नहीं हुई है, इसलिए कोई कमेंट नहीं किया जाए। और आप बताइए। अंबिकापुर में क्या बताएं, गलत नहीं बता रहे। आज छत्तीसगढ़ में जो भूकंप हुआ है अंबिकापुर में, आपका क्या राय है इस विषय में? कभी भी आ सकता है, तो लोग डरे हुए हैं, शायद रात को सोएंगे नहीं, उनमें जगे रहेंगे। और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यही आशा करते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। और तुर्की का जो भूकंप आया था उसको लेकर जो भविष्यवाणी हुआ है भारत में, अब इसको लेकर क्या कहते हैं? अब जो भविष्यवाणी किया है, जिसके थ्रू तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया है, यदि सही घटना घटा है तो सही साबित हुआ है। यदि वो भविष्यवाणी किया है कि ये हमारे इंडिया में भी कुछ आंधी तूफान आने का शंका है, यदि ये भी आ सकता है तो बहुत बड़ा तबाही होगा, लोगों का पूरा जन धन का नुकसान होगा। सब डरे हुए हैं क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने धन संपत्ति जो गाड़े हुए हैं उसको निकाल के खर्चा कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि लोग जो है सतर्क रहे और सावधानी बरते रहे, क्योंकि एक दिन हर लोगों को मरना है, इसलिए डरना नहीं है। चाहे भूकंप से मरे या बीमारी से मरे या ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति का मृत्यु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस यही संदेश हम देना चाहते हैं। सुन लो तो नहीं, हमें तो कुछ जान ही करना। हाँ सर्व जाए, हाँ देखिए कालिया रुपये पता ये संभाग्रह वो कर लाओ।